हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी, स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद लक्ष्मी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑपरेशन के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना फ़ायदेमंद होगा और क्या नुकसानदेह। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि प्राय ऑपरेशन के बाद हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ हमको फ़ायदा है और क्या नुकसान। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब किसी की सर्जरी या ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उसे बेड रेस्ट बोलते हैं, बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। साथ ही खान पान पर भी विशेष ध्यान देने को कहते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद मरीज का ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुजरता है। इसलिए डॉक्टर ऐसी चीज़ें खाने की सलाह देते हैं जो पचाने में आसान हो और घाव को जल्दी भरने में यानी हील करने में मदद करे। अगर सर्जरी ऑपरेशन के बाद डाइट को लेकर ज़रा भी लापरवाही बरती गई तो इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है और साथ ही घाव को जल्दी भरने में दिक्कत होता है, घाव भरने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, आपके घर में किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जानेंगे सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए आपको, क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन के बाद आपको आसानी से पचने वाली चीज़ें खानी चाहिए, फिर चाहे वो फल हो या सब्जी हो। अपने खाने में आपको रोटी, कद्दू, लौकी, परवल, गाजर, खीरा, पालक, मूंग की दाल, अरहर, मक्का की दाल और मूली का भी सेवन करना चाहिए। ये सब सब्जियों को सूप में भी शामिल कर सकते हैं आप। ये खाने में भी आसानी से पच जाते हैं और हाजमा भी सही रखते हैं, मतलब हजम भी हो जाते हैं सही से। ये सारी सब्जियाँ पचाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आसानी से पच जाती हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे और अच्छी तरह से पका हुआ चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पेट की सर्जरी हुई है तो चिकन और मटन से परहेज करें। अंडा और चिकन भी आप खा सकते हैं अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो भी, लेकिन टाँका कटने के 10 से 15 दिन बाद से आप शुरू कर सकते हैं। इसे लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, उसके बाद आप इस सब चीज़ का सेवन करें। फलों में आप जो भी आपको मिले मौसमी फल, वो आप सब फलों में खा सकते हैं। ये अगर आपका सीजर ठंड के मौसम में हुआ है तो आपको ठंड चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ना हो, खांसी सर्दी ये सब चीज़ से बचना है आपको। प्रोबायोटिक्स पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप दही, छाछ, शहद, फलों का जूस और नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के दौरान स्मूदी या ग्रीन टी भी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होगा कि आपको क्या चीज़ खाना चाहिए और हम बताएंगे कि आप क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए ऑपरेशन के बाद। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि क्या चीज़ ऑपरेशन के बाद नहीं खानी चाहिए। फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद आप ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिन्हें पचाना मुश्किल हो, जैसे कि भिंडी, मटर, राजमा, छोले, अरवी, कटहल और अन्य गरिष्ठ सब्जियों से परहेज करें, यानी गैस बनने वाली सब्जियों से परहेज करना चाहिए आपको, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पूरा समय बिस्तर पर बैठकर या लेटकर ही बीतता है, इसलिए इन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। उड़द की दाल, सोया चक्स और टोफू आदि खाने से बचना चाहिए आपको। साथ ही मैदे से बनी चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और बाहर की बनी हुई चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए आपको। फास्ट फूड बाहर जो मिलती है वो सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इतने समय, ये सबको पचाना तो मुश्किल होगा ही, साथ ही पेट में दर्द, मरोड़, कब्ज और फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकते हैं। तबीयत खराब होने पर अगर शरीर में टांके लगे हैं तो उनके खुलने का भी डर रहता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आप ये सब चीज़ का सेवन ना करें, इनसे परहेज करें। फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद आपको मैदे से बनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, साथ ही ऑयली फूड यानी तले भुने चीज़ प्लस जो चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं कई लोग, नहीं लेना चाहिए। अगर लेना भी है तो बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं, 4 से 6 हफ्ते तक आपको कम लेना है, उसके बाद से आप ले सकते हैं, अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते जब हो जाए तो आपको
सब कुछ खाने की ज़रूरत होती है, सब कुछ खा सकती हैं। फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह लें, वो आपको सही राय देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल। बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।